please like and subscribe to our channel, and also don't forget to click the bell icon. देखिए, किसान की चर्चा आज से नहीं 70 वर्षों से हो रही है। जब से आजादी मिली है तब से किसानों की चर्चा हो रही है, लेकिन मैं जो देख रहा हूं, किसान पर जितनी ही चर्चा तेज होती है किसान की हालत खराब होती है। और पिछले 40 वर्षों से जो प्रगति का नाम दिया गया है उसमें पहले जब किसान अपने ट्रेडिशनल तरीके से पारंपरिक तरीके से खेती करते थे तो उनको बीज में एक पैसा नहीं लगता था, खाद में नहीं लगता था, पटवन के साधन में थे उसमें पैसा नहीं लगता था। लेकिन विज्ञान के नाम पर, विज्ञान की प्रगति के नाम पर, शोध के नाम पर हाइब्रिड सीड आया, सीड किसान के हाथ से निकल गया, तरह तरह के खाद आए जो इनके जमीन को बर्बाद किया। हमारे यहाँ जो पारंपरिक खाद था जो वाटर रिटेंशन का काम करता था, उर्वरक बढ़ाता था, इस पर कोई चिंतन नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ है कि जितना हम किसान पर पॉलिसी बनाते हैं वह किसान विरोधी पॉलिसी बन जा रही है। अभी नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसके हम हिस्सेदार हैं, एक प्रयास जरूर किया है कि MSP और उनके उत्पाद के दाम को हम इतना करेंगे जिससे 1.5 गुना उनका हो जाएगा। लेकिन अभी जो 1.5 गुना, खास करके मैं दो विषय जिसकी व्यापक खेती होती है, कॉटन, गेहूं और धान, ये तीन विषय है जिसकी व्यापक, तो BT सीड जब से आया है कॉटन वाले आत्महत्या कर रहे हैं। अभी जो हम MSP दे रहे हैं 1.5 गुना करके, वह 1700 कुछ रुपया है। लेकिन डॉक्टर स्वामीनाथन के जो कृषि वैज्ञानिक हैं और मानक हैं, सरकार ने भी कहा था कि उनके हम जो रिपोर्ट हैं उसके अनुसार हम किसानों को मूल्य देंगे, तो उसके अनुसार CT फॉर्मूला जो है उसके हिसाब से 2340 रुपया बनता है किसान का इन्वेस्टमेंट, और उसका 1.5 गुना जब हम देंगे तो लगभग 1200 मतलब 3100 कुछ रुपया उसका आएगा। अभी हम 1700 दे रहे हैं, यानी कि हम आधे दे रहे हैं, तो हम जीने से, जो मर रहे थे मरने से जीने लायक बनाए, लेकिन हम उनको स्वस्थ करने का फॉर्मूला C2 फॉर्मूला से ही संभव है। किसान स्वामीनाथन के फॉर्मूले से ही स्वस्थ हो सकता है। और गांव स्वस्थ नहीं होगा, खेत खलिहान स्वस्थ नहीं होगा, तो शहर में जो जहर फैल रहा है वह गांव में भी लौट के जा रहा है। इसलिए समूचा चक्र जो हमारी है, सांस्कृतिक, नैतिक, मौलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सबका क्षरण हो रहा है। इस क्षरण को रोकने के लिए किसान को मजबूत करना होगा, मजदूर को मजबूत करना होगा, और यह तभी संभव है जो स्वामीनाथन का जो मानक फॉर्मूला आया है C2 का, उस C2 के हिसाब से 3000 कम से कम धान का दाम प्रति क्विंटल रखना पड़ेगा, इसी के लगभग गेहूं का दाम रखना पड़ेगा, तब उन्हें हम कहेंगे कि मुनाफा के लायक हमने बनाया है। अभी तो जो है वो मरे नहीं, आत्महत्या ना करें उसके लायक बना है, इन्वेस्टमेंट के करीब आया है, इन्वेस्टमेंट का भी पूरा उनको फल नहीं मिल पा रहा है। किसान तो वही जिंदा है जो बाहर जा करके मजदूरी कर रहा है या अन्य काम कर रहा है, गांव छोड़ करके जो बच्चा, गांव में जो बिल्कुल कृषि पर डिपेंडेंट है उसकी हालत बहुत गंभीर है, और इससे भी जीने लायक हो सकता है, स्वस्थ किसान नहीं हो सकता। श्री, जो 4 वर्ष रहे हैं, इन 4 वर्षों में कहीं न कहीं से जो आप अभी बात बताया कि किसान अपने उस स्तर पे नहीं आ सका जहाँ पे उसको आना चाहिए था, वहीं दूसरी तरफ तीन साल तो इनको भी सोचने में लगा, चौथा वर्ष में ये प्रयोग कर रहे हैं, तो हम इसका समर्थन करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री को। लेकिन यदि किसानों को, गांव को, खेत खलिहान को मजबूत करना होगा तो जो कठिनाई है CACP से नहीं होगा। CACP जो कर रहा है यह निश्चित तौर से नौकरशाहों का दिया हुआ फॉर्मूला है,
हम कृषि वैज्ञानिक के फॉर्मूला को मानते हैं, C2 फॉर्मूला नहीं आएगा तब तक किसान स्वस्थ नहीं होगा, गांव खेत खलिहान मजबूत नहीं होगा, और बाजार से उसे मुक्त करना होगा। चाहे जो बाजार अभी तक जितने फॉर्मूला हुए हैं, भूमि विकास बैंक, पैक्स, कृषि के अन्य जितने कृषक भी जिसमें शामिल हैं, वह भी इनके लूट का कारक है। अभी तो MSP जो दिए हैं, राज्य सरकार वहाँ कहीं खरीद ही नहीं करेगा, MSP कागज में रह जाएगा। इसलिए बाजार रोबस्ट मैकेनिकल सिस्टम डेवलप करना चाहिए, सो दैट किसान के पक्ष में जो एक अड़चने हैं, जो बाजार का शोषण का सबसे मजबूत यंत्र है। अभी MSP की हम बात कर रहे हैं, पीछे बार बिहार में तो ऐसा हुआ है कि पूरा बिचौलिया सामान खरीद लिया, और अभी खरीदने का जगह जो सरकार का एजेंसी है वो खुला ही नहीं। किसान तो गरीबी के मार झेल रहा है, वो जल्दी जल्दी बेच देगा तब जाकर के इनका दुकान खुलेगा, ताकि बिचौलिया उसका लाभ ले। इसलिए नौकरशाहों के चंगुल से, बाजार के कठोर शोषण के यंत्र से इन्हें मुक्त करना पड़ेगा। चलिए, कम से कम जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है या जहाँ भाजपा के समर्थित प्रदेश है, कम से कम वहाँ तो उम्मीद की जा सकती है कि वो किसानों का अनाज जो है उनसे खरीदा जाएगा। सर, जो जहानाबाद से आप सांसद हैं, जहानाबाद में FCI गोदाम को लेकर के काफी समय से आवाज भी उठती रही, जिसमें आपने भी कभी आवाजें उठाई हैं। आप चूंकि घटक दल हैं इसमें, इस मौजूदा सरकार के, तो क्या प्रगति, क्या उस पर लग रहा है कि FCI गोदाम जहानाबाद को मिल पाएगा, या उसमें कुछ है, कुछ काम आगे बढ़ा? हम तो बहुत दिन से मांग कर रहे हैं कि ब्लॉक लेवल पर स्टोरेज कैपेसिटी को डेवलप किया जाए। मतलब डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो ब्लॉक में कब होगा मैं नहीं जानता हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बाजार का इतना मजबूत पकड़ है, आज रिलायंस के पास बहुत गोडाउन है अनाज रखने का, कौन कौन धंधा रिलायंस करता है। तो ऐसे रिलायंस से टकराने के लिए सरकार को मन बनाना होगा ना। आज मॉल वाले अनाज रख रहे हैं, मॉल को स्टोरेज कैपेसिटी है, तो एक अब जो धान देखा नहीं है वही खरीद के रख रहा है, आ किसान के पास धान है ये नहीं। किसान की भी कमजोरी है, घर बट गया, उसका बड़ा दलान था वो 4 हिस्से में बट गया, अब अनाज रखने का जगह नहीं है। तो पहले मान लिया कि 5 करोड़ किसान अनाज अपने के यहाँ 100 मन के हिसाब से रखता था, तो बहुत बड़ा स्टोरेज था। इसलिए सरकार को उसकी गरीबी से जो बाजार लाभ ले रहा है उससे मुक्ति के लिए ब्लॉक और पंचायत लेवल पर पेरिसेबल और नॉन पेरिसेबल, सड़ने वाला और न सड़ने वाला, दोनों चीजों का, दोनों जिनिस का, दोनों उत्पादों का अलग स्टोरेज कैपेसिटी सरकार को प्रबंधन करना चाहिए। जी, जैसा कि आपने बताया कि खेती की हालत आपने बता दी, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से पलायन बहुत बड़े पैमाने पर होता है बेरोजगारी की वजह से, रोजगार के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तकरीबन पूरे दुनिया में बिहार के लोग हैं जो जाके बाहर काम करते हैं। तो ये जो 4 साल बीते हैं सरकार के, आप इसके पहले भी सांसद रहे हैं, जो रोजगार है बिहार में, जो रोजगार के अवसर है, उसको लेकर के आपका क्या सोच है, उसको क्या कहां देखते हैं? देखिए, बिहार ही नहीं, जो इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है या मेट्रोपॉलिटन शहर जिस शहर में नहीं है, पटना भी एक गांव है, पेरिस नहीं बना है, तो पटना एक गांव है, तो वहां रोजगार के अवसर भी कम है, सेल्स में भी, मार्केटिंग में भी। लेकिन जो इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है वो बिहार ही नहीं, बगल में मध्य प्रदेश है या अन्य झारखंड है, ये सब झेल रहा है उस दंश को। झारखंड में तो कुछ इंडस्ट्रीज है भी, कुछ मर रहा है, कुछ है भी, लेकिन बिहार को न इंडस्ट्रीज है बंटवारे के बाद, न इंडस्ट्री है, न मार्केटिंग का अवसर है, इसलिए बिहार से पलायन सबसे ज्यादा है। उड़ीसा एक बीमारू प्रदेश था, लेकिन उड़ीसा पीछे कुछ दिनों में इंडस्ट्रियल क्षेत्र में काफी माइंस भी है और इंडस्ट्री भी उसकी बढ़ी है, इसलिए वहां से पलायन है, लेकिन बहुत लिमिटेड है। बिहार नंबर 1 है पलायन में, नॉर्थ ईस्ट में भी स्थिति थी, अभी थोड़ा पलायन रुका है। तो जहां गरीबी है पेट के लिए, पेट के भूख के लिए, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा गरीबी है, आपका बुंदेलखंड का इलाका बहुत गरीबी है। तो जो इलाका गरीबी से त्रस्त है, उस इलाके से, बंगाल से भी लोग निकल रहे हैं। तो सवाल है कि जहां इंडस्ट्रियल नहीं है,
वहां से पलायन होना स्वाभाविक है, लेकिन बिहार से पलायन रुका नहीं है, बढ़ा है पलायन, घटा नहीं। और ये मौजूदा सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, अभी 2-3 लाख तक रोजगार अभी तक दे पाई है। अभी तक इंडस्ट्री जो बाहर से इतनी सारी मीटिंग के बाद बाहर से बहुत सारी इंडस्ट्रीज आनी थी, वो भी कोई धरातल पे फिलहाल दिख नहीं रहा है। तो ये जो रोजगार के लिए कुछ ऐसा कुछ सरकार कर रही है क्या, अभी कुछ ऐसी नई योजना है, जैसे आपने बताया किसानों को के लिए एक नया पहल की है उन्होंने स्टडी करने के बाद, अब इस क्षेत्र में उन्होंने कुछ काम किया है या राज्य सरकार ने कुछ काम किया हो, कुछ ऐसा आपकी जानकारी में? देखिए, ईमानदारी से स्किल्ड इंडिया यदि लागू हुआ, स्टार्टअप लागू हुआ, तो इंडस्ट्रीज के वहां ना होने के बावजूद भी आज दुनिया एक कम्युनिकेशन रेगुलेशन के बाद गांव हो गया है, तो दुनिया के कई हिस्सों में रोजगार के बड़े अवसर हैं। लेकिन अभी स्किल्ड इंडिया का भी जो आयोजन हो रहा है वह सतही तौर पर हो रहा है, जमीन पर उतरा नहीं है। इसी तरीके से जो मुद्रा योजना है, यह भी नौजवानों को रोजगार क्रिएट करने का एक माध्यम बनेगा, लेकिन बैंक इसमें टोटल फेल्योर है, बैंक इसमें विदाउट गारंटी लोन नहीं दे रहा है, जबकि रूल है विदाउट गारंटी उनको रोजगार के लिए लोन देना है, मगर वो नहीं दे रहा। और बैंक शोषण कर रहा है, जैसे डेयरी का भी, कृषि आधारित डेयरी है, तो डेयरी में भी बैंक बिना कमीशन का नहीं देती है। यदि 20,000 का गाय है तो 30,000 आप उसको बना दीजिए दाम, 10,000 वहां पहुंचा दीजिए, तब ये मिलेगा। तो शोषण का इतना बड़ा केंद्र है कि इन सारे स्वरूपों को यदि समेकित रूप से आप देखेंगे तो हम समझते हैं गांव, बाजार और भ्रष्ट नौकरशाही के लूट का कारण है। आज मनरेगा सबसे बड़ा लूट का कारण है, गरीबों के लिए अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन मनरेगा कंप्लीट लूट का माध्यम है, चाहे यूपीए की सरकार थी चाहे आज की सरकार है, कंप्लीट लूट का माध्यम वो बना हुआ है, बिचौलिए उसमें खाते हैं। और मनरेगा से कृषि पर भी विपरीत परिस्थिति, लोग काम करने के मन का भाव नहीं है, वैसे मजदूर जो जाली पैसा निकाल सकते हैं और वैसे जो सरकार के एजेंट हैं, एजेंसियों के एजेंट हैं, उन लोगों से साठ गांठ कर करके आज वे पैसा खा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, और सरकार समझ रही है कि हम वेलफेयर का काम कर रहे हैं। तो एक अराजक की स्थिति इन टोटलिटी बना है, सब लोगों को सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन के लिए नहीं, बल्कि गांव को बचाने के लिए एक साथ होकर के काम करना पड़ेगा।